हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन चैनल LBS कंप्यूटर सेंटर में। मैं आपके साथ संजीव कुमार और आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 प्रश्न, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। लगभग मैं 10 साल से ऑफलाइन कंप्यूटर क्लास चलाता था, लेकिन बच्चों के रिक्वायरमेंट था कि मैं एक ऑनलाइन कंप्यूटर चैनल स्टार्ट करूं जिसके अंदर मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट में किया हूं कंप्यूटर से संबंधित। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा वो समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो जरूर से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलते हैं फिलहाल टॉपिक की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, मेमोरी आखिर कंप्यूटर में लगा हुआ कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है आपको। ए नंबर का यहाँ पर ऑप्शन है 3, बी नंबर में आते हैं 4, सी नंबर में आते हैं 2 और डी नंबर में आते हैं 6। अगर इसका राइट आंसर पता है आपको तो कमेंट्स में जरूर से जरूर लिखिए। ऐसे इसका राइट आंसर होता है सी नंबर 2, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के मेमोरी लगे होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था, मीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे फर्स्ट बार किया गया था। तो ए नंबर का जो ऑप्शन आते हैं बेसिक, बी नंबर का है कोबोल, सी नंबर का फोरट्रान और डी नंबर का आता है बाइनरी। तो इसमें राइट आंसर होगा सी नंबर, ये राइट आंसर होगा जो सबसे पहले विकास किया गया था कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ये भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहां पर हम लोग। 3 नंबर का क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है कि कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं, मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो फाइल होते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं। ए नंबर का यहां पर ऑप्शन स्टार्ट होते हैं फाइल, बी नंबर में यहां लिखा गया है फोल्डर, सी नंबर में लिखा गया है आइकॉन और डी नंबर में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट, यहाँ राइट आंसर होगा जो डी नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, डी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, माउस का क्या कार्य होते हैं। तो माउस का कार्य क्या है जी, तो ए नंबर में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि सिंगल क्लिक, बी नंबर में है डबल क्लिक और सी नंबर में है ड्रैग और डी नंबर में आते हैं उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर होंगे, राइट आंसर यहां पर होंगे डी नंबर, इसका राइट आंसर होंगे उपरोक्त सभी, मींस माउस के द्वारा इस सारा वर्क किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आते हैं ए नंबर का एमएस वर्ड, बी नंबर का है एमएस एक्सेल, सी नंबर के आते हैं फोटोशॉप और डी नंबर के आते हैं विंडोज 10। तो इसके अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज 10 ए राइट आंसर है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स जरूर से जरूर करिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 6 क्वेश्चन यहां पर आते हैं कि कंप्यूटर में एक निब्बल कितने के बराबर होते हैं, मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो डाटा नापने के लिए होता है यूनिट ये सब निब्बल वगैरह, तो उसके अंदर एक निब्बल के अंदर कितने क्या होते हैं, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ ए नंबर में 4 बीट्स, बी नंबर में लिखा हुआ 8 बीट्स और सी नंबर में लिखा हुआ 1 किलोबाइट्स और डी नंबर में 1 बीट। तो आप यहां पर राइट आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं, ऐसे इसका राइट आंसर होंगे एक निब्बल में होता है आपका, यहां पर ये राइट आंसर है ए नंबर का, राइट आंसर यहां पर होगा एक निब्बल में 4 बिट्स के बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, इसमें से कौन सा राइट आंसर है, मीन्स कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या इसमें से होगा, कि बीट, निब्बल, यहां पर देखिए लिखा गया है केवी और यहां पर लिखा गया एमबी। तो इसका फर्स्ट नंबर का आंसर राइट होगा, बीट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो ऑलरेडी ये सब जानते होंगे कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, अगर आप जानते हो तो कमेंट्स जरूर से जरूर करें। फर्स्ट नंबर है ए नंबर में ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी नंबर में ऑप्शन आते हैं मॉनिटर, सी नंबर में आता है सीपीयू और डी नंबर में आता है हार्डवेयर। तो यहां पर सीपीयू जो होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हो गया कि विंडोज जो चलाते हैं, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 11 हो गया, वो विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था या बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा या फिर IBM के द्वारा या फिर ये दोनों के द्वारा, सी नंबर में आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है ये आपका विंडोज सॉफ्टवेयर, जो 1985 में बना करके तैयार किया गया था, जो मैं यहां पर लिख रखा हूं कि 1985 में बना करके दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या आते हैं, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? आपका ए नंबर के ऑप्शन आते हैं 1989, बी नंबर में आता है 1946, सी नंबर में आता है 1991 और यहां पर डी नंबर में आता है 1995। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 1995। ये राइट आंसर है जो VSNL के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है VSNL का, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में भी आपका जवाब दूंगा, जरूर से जरूर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CCC एक प्रकार के एक कोर्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित, जैसे DCA होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उस तरह से CCC एक प्रकार के कोर्स होते हैं। इसका आखिर फुल फॉर्म क्या है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ए नंबर का आता है कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट, बी नंबर में कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, सी नंबर में आते हैं कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट और डी नंबर में आता है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर होगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे फर्स्ट नंबर आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडवांस डिजाइन, कोर्स ऑफ एडवांस डिजाइन या नॉन ऑफ दीज, इसमें से किसी नहीं, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये राइट आंसर है। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आता होगा आखिर है क्या CAD? देखिए CAD एक प्रकार के 3D 2G डिजाइन करने के लिए बनाया जाता है, जैसे 2D डिजाइन होता है जो प्रोग्राम एक प्रकार का है, जैसे कार्टून वगैरह बनता है, तो 2D या 3D जो डिजाइन बनाने के एक प्रोग्राम है आपका CAD। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि वर्तमान समय में कंप्यूटर के कितना पीढ़ियाँ हैं? तो फर्स्ट नंबर का यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं 7, बी नंबर में 5, सी नंबर में 6 और डी नंबर में 8। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर, इसका होगा 5। वर्तमान समय में कितना कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं? तो 5 इसका पीढ़ियाँ है, जेनरेशन है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? इसमें से जो दिया हुआ है उसमें से कंप्यूटर का स्टोरेज सबसे ज्यादा क्या होता है? तो MB फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, गीगाबाइट्स मींस GB सेकंड, सी नंबर का KV किलोबाइट्स या डी नंबर का टेराबाइट TB। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ये टेराबाइट राइट आंसर होगा। इसके अंदर सबसे बड़ी यूनिट कंप्यूटर के क्या है जी? तो टेराबाइट है, राइट आंसर ये आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि 1 बाइट कितने बराबर के होते हैं? 1 बाइट कितने बराबर के होते हैं? 4 बिट्स, सेकेंड आपका स्टार्ट होता है 8 बिट्स और यहाँ पर सी नंबर में स्टार्ट होता है 4 बिट्स बाइट और डी नंबर में आता है 1 निब्बल। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझे होंगे कि 1 बाइट इक्वल टू कितने की बराबर होते हैं, तो 1 बाइट्स में होते हैं 8 बिट्स इज राइट आंसर। लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ कुछ मैं आसान क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखा हूं। देखिए सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट ए नंबर आ गया, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बी नंबर में आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी नंबर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, माउस में कितने बटन होते हैं? ए में 1, 2 में 2 बटन, सी नंबर में 4 बटन या डी नंबर में
तीन बटन। उत्तर होगा राइट, आपका डी नंबर ए राइट आंसर होगा। लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन बीच वाले को बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था? ये आपका है फर्स्ट नंबर में 51 से 56, सेकंड में 48 से 45, फोर्थ नंबर का आपका सी नंबर में आता है आपका 1946 से 1959, और आपका डी नंबर का आता है 1950 से लेकर के आपका 1965। सी इज ए राइट आंसर होगा। हाँ, कहीं कहीं बुक में दिया रहता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे या देखिएगा कि कहीं कहीं लिखा रहता है 42 से, ठीक है, आपका 1942 से रहता है 55 कहीं कहीं दिया हुआ रहता है। कितना? 42 से 55 दिया रहता है, कहीं कहीं आप देख सकते हैं, कहीं कहीं दिखा हुआ, अलग अलग बुक में अलग अलग वर्जन दिया हुआ रहता है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 1946 से लेके 1959, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो भारत में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था वो आपका देखिए, फर्स्ट नंबर में यहाँ पर ऑप्शन स्टार्ट होते हैं 1951, 1946, सी नंबर में आता है 1952, और डी नंबर में आता है 1950। अब इसका राइट आंसर क्या होगा जी, बताइए, कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसका सी इज राइट आंसर, 1952 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? फर्स्ट यहां पर देखिए ऑप्शन, यहां पर ए नंबर में लिखा हुआ है मेगाहर्ट्ज, बी में लिखा हुआ है मिलीसेकंड, और सी नंबर में बीट्स, और यहां डी नंबर में लिखा हुआ है मेगाबाइट्स। तो इसका राइट आंसर यहां पर होगी ए नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर 21 नंबर में कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित था? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर था वो किस पे आधारित था? तो ये नंबर का जो ऑप्शन आते हैं वैकम ट्यूब, बी नंबर का आते हैं सर्किट बोर्ड, और सी नंबर के इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ए नंबर का जो यहाँ पर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, वैकम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो यहाँ पर ए नंबर का जो लिखा हुआ ऑप्शन वो आइनिक, बी नंबर का जो ऑप्शन है अवेकस, और सी नंबर में जो है कैलकुलेटर, या फिर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसका जो नाम था आइनिक जो है, से इसका एक नाम था, ये राइट आंसर इसका जो होगा आइनिक होगा, ए नंबर का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए 23 नंबर में लिखा हुआ है भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यहां पर लिखा गया है फुगांकू कंप्यूटर, फॉरम कंप्यूटर, सिद्धार्थ कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर सी, सिद्धार्थ कंप्यूटर, ये राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो फर्स्ट नंबर में ए नंबर है मॉनिटर, बी नंबर में एएलयू, सी नंबर में सी, और डी नंबर में आते हैं इनमें से कोई नहीं। इसमें डी नंबर राइट आंसर होगा यहां पर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। अबेकस का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था? तो अबेकस एक प्रकार की कैलकुलेटर मशीन था, ठीक है, कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा सहायता करता था। तो इसका आविष्कार कहां पर हुआ था से हम लोग यहां पर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आते हैं भारत में, सेकंड आपका बी नंबर अमेरिका में, सी नंबर चीन में, और यहां डी नंबर जापान में। तो यहां पर राइट आंसर इसका जो होगा सी नंबर राइट आंसर होगा, चीन में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर में है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? देखिए यहाँ पर ए नंबर में आते हैं 101, बी नंबर में 102, सी नंबर में 103, और यहाँ डी नंबर में 104। तो इसका राइट आंसर जो यहां पर होगा डी नंबर का, 104। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर 27 नंबर का जो क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं कि इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? कीबोर्ड ए नंबर, माउस बी नंबर, मॉनिटर सी नंबर, और इनमें से सभी डी नंबर। तो यहां पर डी नंबर का जो क्वेश्चन यहां पर ऑप्शन आते हैं वो राइट आंसर यहां पर है। आंसर इसका क्या होगा? तो डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्यों चलते हम लोग, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ए नंबर के यहां पर ऑप्शन आते हैं 2, बी नंबर के ऑप्शन आते हैं 3, सी नंबर के ऑप्शन आते हैं 4 और डी नंबर में आते हैं 6। तो इसका राइट आंसर होगा 2 इज राइट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। दो प्रकार के आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कितना होता है, दो, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है सीपीयू का भाग है, इनमें से कौन ऑप्शन राइट होगा आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका मॉनिटर, बी नंबर में है आपका प्रिंटर, सी नंबर में होता है एलईओ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी नंबर में आते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये एएलयू, इसका राइट आंसर होगा एएलयू, मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है, उस बटन का नाम बताइए। ए नंबर में लिखा हुआ है आपका F2, बी नंबर में कंट्रोल के साथ F2, सी नंबर में लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N और डी नंबर में इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, कंट्रोल शिफ्ट N। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो मैं बताया आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, ये आपको आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो के बारे में कुछ भी समझने को मिला तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं इस टाइप के प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस चैनल पर लाते रहूँगा। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।